नेमावर से स्थानांतरित होकर कन्नौज आए नवागत थाना प्रभारी शिव मूरत यादव ने प्रभार संभालने के बाद हमारे संवाददाता से चर्चा में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आम जन को समझाइश दी। कोरोना गाइडलाइन का सभी पालन करें, सोशल दूरी का ध्यान रखें तथा मास्क लगाएं। साथ ही क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे लोगों पर नकेल कसने के साथ ही गुंडा अभियान पर और सख्ती की जाएगी। अवैध रेत माफियाओं पर भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रूप से बनाया जाएगा। पदभार संभालते ही उन्होंने नगर में पैदल मार्च किया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सर, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? यही कि आम जनता के बीच जाकर के कोरोना के बारे में समझाइश दें ताकि तीसरे लहर से हम लोग बच सकें, और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाएंगे, अवैध शराब पर अंकुश लगाएंगे, गुंडों पर अंकुश लगाएंगे। सर, रेत माफिया जो चल रहा है, आए दिन रेत माफियाओं के नाम पे जो है, बिल्कुल अवैध रेत की विलुप्त की जाएगी। नगर में जो यातायात अव्यवस्था बनी हुई रहती है, वैसे तो हमारे पूर्वती डीएसएम ने प्रयास किया है, वहाँ पे जहाँ पर ज्यादा दिक्कत जाती है वहाँ लोग हरे लगा दिए गए हैं, व्यवस्था बना रहे हैं हम और व्यवस्था अच्छी बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।